भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने शुक्रवार को दिल्ली के आदर्श नगर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के साथ कैंप में दीपावली मनाई और इस दौरान छोटे बच्चों के बीच किताबें, पेंसिल और स्टेशनरी भी बांटी। इस मौके पर BJYM के मीडिया इंचार्ज और राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम छाबड़ा, दिल्ली युवा मोर्चा अध्यक्ष वासु रूखड़, केशवपुरम BJP के जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया भी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कामना की कि दीपोत्सव में देश के अंदर खुशहाली, समृद्धि, सौहार्द और शांति बने और सबका अच्छा स्वास्थ्य हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छाई और रोशनी की ताकत हमेशा कायम रहे। विक्रम सर, विक्रम मैं याद करूंगा कि बच्चों को पुस्तक माता की जय श्री राम। ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बदलाव को नरेंद्र मोदी जी लेकर आया है, इसलिए हम सब नरेंद्र मोदी जी को एक बार जोर से ताली के साथ जोर से शुक्रिया। दिल्ली में हिंदू शरणार्थी कॉलोनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दीपावली की आचरण किया है, पूजन किया है। CAA के पारित होने के बाद ऐसे जो शरणार्थी थे उनके जीवन में प्रकाश आ चुका है, रोशनी आ चुकी है। पाकिस्तान में जो सुरक्षा नहीं था, इज्जत नहीं था, हर दिन अपना संस्कृति, विचार और जीवन पद्धति को रक्षा करने के लिए जो लड़ाई करना पड़ता था, वो भारत में आने के बाद एक सुरक्षा वातावरण उन सब को इधर प्राप्त हुआ है। इस कॉलोनी में बिजली का व्यवस्था आज जो नहीं है, इस बिजली का व्यवस्था करने के लिए हम दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के नेतृत्व से दिल्ली सरकार को हम आग्रह करेंगे और आने वाले दिन में इस प्रदेश में जो भी मूलभूत सौकर्य और बुनियादी सुविधा इस इलाके में, इस कॉलोनी में हम व्यवस्था करना है, उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। आप सबको दीपावली और धनतेरस की ढेर सारे शुभकामनाएं।